उत्तर प्रदेश के डाला में बढ़ रहे नशे के व्यापार और नशाखोरी को लेकर डाला नवनिर्माण सेना क्षीर सागर कल्याण योजना व स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सोमवार शाम नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए नशा ना करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान स्थानीय चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ठाकुर ने भी युवाओं को पूरे नगर में भ्रमण कर लोगों को नशे से दूर रहने और नशे के खिलाफ जागरूक रहने का काम किया। इस दौरान युवाओं का नेतृत्व कर रहे डाला नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अंशु पटेल ने कहा कि नशा उसी दीमक की तरह है जो हमारी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को दिन प्रतिदिन खोखला करता जा रहा है। आए दिन नशे के कारण हमारे देश में न जाने कितने ही युवा अपना जीवन, अपना करियर और अपना परिवार खोते जा रहे हैं। अब इस जंगल से फैली आग रूपी नशे की लहर को सभी युवाओं को मिलकर रोकना होगा, वरना जल्द ही नशे के कारण समाज का पतन निश्चित है। इस दौरान क्षीर सागर कल्याण योजना के संयोजक अखिलेश पांडे ने भी सर्व समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आए दिन हमारे नगर व पूरे जनपद में नशे के व्यापार व इसके सेवन का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोग आए दिन नशे के कारण अपनी जान माल गंवा रहे हैं और इसलिए समाज को सृजन की ओर ले जाने के लिए, युवा पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए, अपने नगर के चौमुखी विकास के लिए नशा मुक्ति अभियान जरूरी है। रैली में डाला नवनिर्माण सेना के संरक्षक व छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अनिकेत श्रीवास्तव, राकेश पासवान के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए सोनभद्र से अनिल कुमार अग्रहरि की रिपोर्ट। जन जन का है यह संदेश, जन जन का है यह संदेश, जिससे नशे को माता के नशे को हाथ लगाया।